दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो कंप्यूटर की फुल फॉर्म की थी, ठीक है। आज जो हम कंप्यूटर में अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हमारा कंप्यूटर के मेन पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स की। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन पार्ट्स की आपका एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पैन, सीडी, डीवीडी, स्पीकर, बायोमेट्रिक स्कैनर, आईएनएस स्कैनर, टच पैड, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे आपका एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पैन, सीडी, डीवीडी, स्पीकर, बायोमेट्रिक स्कैनर, जिससे आप अपना अंक ये कर दो, पंच कर दो, आईएनएस, इससे हमारे आपका रेटिना स्कैनर, टच है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, और इससे आगे आपका बीसीआर, एमआईसीआर, ठीक है, ये भी आपके एक वीडीयू मॉनिटर एटीसी, जैसे ट्रैकबोर्ड हुआ, ठीक है। बहुत सारे हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें जो आपके मेन पार्ट्स होते हैं, जिन पार्टों की मदद से हम अपना बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। बेसिक काम जो करते हैं वो हम अपना करते हैं एलसीडी और कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, ठीक है। ये वाले हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे हम अपने बेसिक वाले काम कर लेते हैं, ठीक है। एलसीडी, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू हमें अपना काम करने के लिए ये चारों चाहिए होते हैं। बाकी ये जितने भी होते हैं आपके एक्सटर्नल होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। इनके बिना हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इन चारों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि एलसीडी हमें जरूर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस और सीपीयू, ठीक है। इन चारों के अलावा जितने भी ये हैं हमारे एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बात हमने कर लिया कंप्यूटर के मेन पार्ट्स की। इसी के साथ साथ हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के जनक की, यानी कि पिता की, कंप्यूटर के पिता। जैसा कि सब जानते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आज हम बात करेंगे पिता के साथ साथ माता की, कंप्यूटर की माता जो होती है, ठीक है। तो यही लिख देते हैं, कंप्यूटर में जो पिताजी होते हैं, ठीक है, वो होते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। और कंप्यूटर की जो मदर कहा जाता है एडा लवलेस को। किसको कहा जाता है? एडा लवलेस एडा लवलेस को कंप्यूटर की जननी के रूप में, माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और हम फिर कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।